इतनी सारी सारी कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। Hi everyone, welcome back to my channel Miku and welcome to the next episode of Tried and Tested. बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे क्योंकि कॉलेज फेयरवेल होने वाली है, बट मेरी नहीं, मेरी तो ऑलरेडी कॉलेज पास आउट है, बट आप सबके कॉलेज में आने वाली है फेयरवेल, तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी बहुत बड़ी बड़ी साड़ीज। तो मैं आपके साथ लेके आई हूँ कुछ साड़ीज ऐसी जो ऑनलाइन मैंने ली हुई हैं और कुछ ऐसी जो मैंने लोकल मार्केट से ली है, कुछ मेरी मम्मी की भी है, तो मैं आपको वो वाली साड़ीज भी दिखाऊंगी। सो अगर आपको सबसे अलग हटके देखना है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साड़ी खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। तो ये मैंने साड़ी ली है फ्लिपकार्ट से, दो दिन के अंदर ये डिलीवर हो गई है। एंड यस, ये थोड़ी पैकेजिंग ऐसे आई है एंड नाइस। एंड ये जो मैंने मंगाई है ना, ये तुम क्या मिले जैसे आलिया भट्ट पहनी थी ना वैसे साड़ी है। एंड ये ओपन कहाँ से हो गया, ये रहा, वाओ, आनंद कुछ करके ब्रांड है, सुपर डुपर प्रिटी कलर ना, पिंक कलर में है, वाओ। एंड ये जॉर्जेट मटेरियल है, वाओ, इट लुक्स सो नाइस, एकदम सही है यार। वैसे भी ना ये कलर फेयरवेल जैसे डे में होता है हमारे फेयरवेल, तो ये अच्छी लगेगी। एंड इवन ये थोड़ा सा बॉलीवुड स्टाइल भी लग रहा है। तुम क्या मिले में आलिया भट्ट ने भी थोड़ी सी ओम्ब्रे पहनी थी ना, तो ये बिल्कुल वैसी ही है। देखो ये देखो, इसमें दो कलर है, नीचे थोड़ा सा डार्क पिंक है, ऊपर लाइट पिंक है। ऐसे ओम्ब्रे साड़ी बहुत ट्रेंड में अभी, यार आई डोंट नो लोग साड़ी कैसे पहन रहे, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। इवन मैंने ये जो बांध के आई वो मेरी मम्मी ने बांधी है, हेल्प की है। और ये कुछ ऐसे लगे, अभी मैंने सिर्फ रैंडमली बांध लिया आपको दिखाने के लिए, बट अभी कहीं जाओगे आप फेयरवेल पे अपने कॉलेज, तो प्रॉपर इसको ना बांध के जाना। देखो कितनी प्रिटी है ना, नीचे से बहुत अच्छा लग रहा है ओम्ब्रे इफेक्ट। तो इस साड़ी को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए और प्रिटी लगने के लिए ना, तो हाथों में बैंगल्स डालना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं ये पिंक कलर के बैंगल्स पहनूंगी, इसके साथ बहुत प्रिटी लग रहे हैं। एंड ऑल्सो इसके साथ ना आपको ब्लाउज मिलेगा, ये वाला ब्लाउज आया है इसके साथ, ये स्टिच नहीं है। बैंगल्स पहन के तो बहुत सुंदर लग रहा है ओवरऑल लुक। अभी मैंने इसको ब्लैक कलर ब्लाउज के साथ ना स्टाइल किया एंड ट्राई करना कि इसके साथ ना सिल्वर इयर रिंग्स पहनो, वो बहुत प्रिटी लगेंगे क्योंकि ये पिंक कलर एंड सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बॉम्ब लगेगा। ओके, जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके शेयर करूंगी ना, ये मेरी फेवरेट साड़ी है एंड ये कलर होगा ब्लैक। गाइस ब्लैक तो गर्ल्स का फेवरेट कलर है एंड मेरा भी फेवरेट कलर है। एंड ये साड़ी ना इतनी मेरी फेवरेट साड़ी है, इवन आप लोग ना ये पहन सकते हो फेयरवेल पे और कोई वेडिंग भी पहन सकते हो। मैंने तो वेडिंग पे पहनी थी ये साड़ी, तो आपको दिखाती हूँ, बहुत प्रिटी लगने वाली है। ब्लैक साड़ी, ये सिर्फ ब्लैक ही नहीं है, इसमें देखो शिमर भी है। ओ माय गॉड, ये मेरी फेवरेट साड़ी है अभी तक जो मैंने परचेज किया है, बहुत सुंदर लगती है। ऐसी साड़ी ना आप अपने फेयरवेल पे पहन सकते हो, थोड़ा सा आपको हटके लगना है ना, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी ब्लैक कलर की साड़ी ले लो यार, बहुत सुंदर लगोगे। देखो फोटोज में एंड पिक्चर्स पहनी हुई तो बहुत सुंदर लग रही है। एंड इसकी लेंथ मेरी 5'5" हाइट है, तो मुझे लगता है इसको हील के साथ, मैंने थोड़ा सा हील बड़ी वाली पहन ली थी पेंसिल हील, तो उसके साथ ये साड़ी ना थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। बट आप पेंसिल हील ना पहन के वेजेस या फिर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो पहन सकते हो। देखो ये पहनी हुई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना साड़ी। एंड ऑल्सो इसमें थोड़ा सा शिमर जो वर्क है, ओ माई गॉड, ये वर्क देखो, ये काम आपको मतलब आप फेयरवेल के लिए पहन सकते हो, ये काम आप वेडिंग के लिए भी पहन सकते हो। ओके गाइस, मेरे साथ मेरी नीस भी आई है, से हाय। हाय बोलो। आयरा हाय। और ये जब 2 महीने की थी ना, जब शादी हुई थी, तब मैंने ये वाली ब्लैक साड़ी पहनती है ना आयरा, यस ये वाली तब साड़ी पहनती, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ये कैसे लग रही है। चलो बाय बाय कर दो। गाइस प्लेट तो मम्मी ने डालने में हेल्प कर दी है। और ये साड़ी कुछ ऐसी सी लग रही है, बहुत प्रिटी सी साड़ी है, ब्लैक शिमर कलर। एंड ये ब्लाउज ना इसके साथ मैंने जो पहना था वो पहना था थोड़ा सा शियर में, आप देख सकते हो फोटो। अभी मैं ये वाला ही ब्लाउज पहन रही हूँ ब्लैक, थोड़ा सा ग्लिटर, बहुत प्रिटी लग रही है। ये वाली साड़ी मेरी फेवरेट है, आप बताओ ये कैसी लग रही है। आप जब फेयरवेल पे पहन के जाओगे ना ये साड़ी या फिर कोई भी वेडिंग पे, पर डेफिनेटली ना कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलने वाली है ये साड़ी के लिए, मुझे भी बहुत मिलती जब मैंने वेडिंग पे पहना था। इसके साथ ना सिल्वर जो ज़्यादा ज्वेलरी जाएगी या फिर कोई भी बैंगल्स, डिफरेंट कलर भी पहन लोगे बैंगल का, जैसे पिंक ब्लैक के साथ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। या फिर आप बैंगल्स नहीं पहनते, प्रेफर नहीं करते, तो इट्स अप टू यू गाइज, बट मुझे तो अच्छी लगती है तो मैंने पहन ली। एंड ये पूरी साड़ी आप बताओ कैसी लग रही है। एंड ये आपको परचेज करनी तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
तो मेरे पास एक सिंपल ब्लैक कलर की साड़ी भी आप लोगों के लिए। अगर आपको इतना शिमर ग्लिटर या वी साड़ीज ना पसंद नहीं आती तो आप सिंपल प्लेन एक कलर ले सकते हो ब्लैक में, जिसको आप एक कोई भी ग्लिटर वाले ब्लाउज के साथ पहन सकते हो, वेलवेट ब्लाउज के साथ थर्ड में अगर पहन रहे हैं तो पहन सकते हो शिमर जिसमें हो थोड़ा सा वर्क, जैसे कैटरीना कैफ ने इवन अभी पहनी है इस प्लेन ब्लैक साड़ी के साथ। साड़ी है ना मेरी मॉम की साड़ी है, मम्मी की साड़ी है, बहुत लाइक पुरानी ही साड़ी है, बट ये एकदम कपड़ा एकदम मस्त है, आज भी यार ये कपड़ा फटता नहीं है, एकदम बढ़िया कपड़ा है जिसको मैं रोज मतलब रेगुलरली पहनती हूँ। और रेगुलरली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आई एम अ टीचर तो मुझे टीचिंग में साड़ीज तो रोज पहन के रेगुलरली जाना ही होता है। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट ब्लैक सिंपल कलर वाली साड़ी जो मैंने ली हुई है, तो एज अ मतलब रियल वाली टीचर में मैं पहनती हूँ ये ब्लैक साड़ी, जो आप अपने फेयरवेल वाली टीचर बन के भी पहन सकते हो ऐसी ब्लैक वाली साड़ी। अदरवाइज ये वाली साड़ी तो है ही है एकदम वेडिंग वाली ऐप, बट ये वाली कलर भी ना सिंपल ब्लैक भी अच्छा लगेगा। ये साड़ी भी बहुत मस्त साड़ी है, आपको दिखाती हूँ। जब मैंने इसको ऑर्डर किया था मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार ये कब आएगी, तो लेट मी शो यू। टाडा, ये इसमें ना बहुत सुंदर सा एक प्रिंट बना है, आप बहुत एक्साइटेड हो गए देखने के लिए। ये देखो तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये देखो ये है मोर का पंख, तो ये मोर के पंख बने हुए हैं यार इस पे। तो ये थोड़ा सा सिल्क है, बट ये प्योर सिल्क तो आपको मिलेगा नहीं। एंड यस, बहुत सुंदर लग रही है यार, ये देखो ये देखो, ये इसके लिए मैंने लिया है, ये मोर के जो पंख बने हुए हैं ना ऑल ओवर पूरी साड़ी में। तो आप देख सकते हो ये साड़ी कितनी प्रिटी सी एलिगेंट सी लग रही है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको थोड़ा सा शिमर वाला वर्क नहीं चाहिए था ना, जैसे मैंने आपको भी पहले दिखाई ब्लैक कलर में, तो आप कुछ एलिगेंट सा ऐसे बेज कलर पहन सकते हो। एंड ये प्रॉपर आपको ना टीचिंग वाला जैसे टीचर वाली वाइब देगी आपको। एंड ये देखो इसके पल्ले में पूरा मोर बना हुआ है। एंड ये इसका पार्ट, ये है इसका ब्लाउज वाला पार्ट। अभी जो मैंने ब्लाउज पहना है वो मैंने अपनी मम्मी का पहना है, बहुत सुंदर ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया था अपने जमाने पे। एंड ये बहुत अच्छा सा, ये देखो ये वर्क है, मिरर वर्क, इवन इसके बैक साइड पे भी देख सकते हो ये ब्लाउज में मिरर वर्क है। एंड ये ही ब्लाउज के साथ ना मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा ये वाला ही पहनती हूँ, बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं मोर के, एंड इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो बहुत प्रिटी लग रहा है। तो आप बताओ ये साड़ी कैसी लग रही है ओवरऑल, मुझे तो अच्छी लग रही है। इवन इसके बहुत सारे कलर्स हैं, बट मुझे स्पेशली ये वाले कलर में बहुत अच्छा दिल आ रहा था, और लोगों ने ना इसकी बहुत तारीफ भी की है, तो आप लोग भी ले सकते हो, मेरी साइड से तो 10/10 है। तो ये कुछ साड़ीज जो मेरी पर्सनल फेवरेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आप भी अपनी फेयरवेल पे पहन सकते हो, ब्लैक कलर की पहन लो शिमर, या फिर प्लेन पहन लो, या फिर थोड़ी सी एलिगेंट सी ऐसी कोई साड़ी ले लो, या फिर आप कोई भी सिल्क में ले सकते हो, साथ ही इनके कपड़े में भी ले सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको ब्लैक नहीं लेना तो आप व्हाइट कलर भी ले सकते हो अपनी फेयरवेल के लिए, बहुत प्रिटी लगोगे। एंड फेयरवेल तो यार लाइफ में एक ही बार होती है ना, तो फटाफट से इनमें से कोई भी साड़ी ना ऑर्डर कर लो, वरना आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा यार। एंड ये थी मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट साड़ी, इनमें से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, ऐसी और वीडियोस के लिए डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग सो फन के साथ, बाय।